अगर आप भी बचपन में रेसलिंग देखने और करने के शौकीन रहे हो तो आपने जॉन सीना, अंडरटेकर, द रॉक जैसे रेसलर्स का नाम जरूर सुना होगा और के स्टंट्स भी अपने दोस्तों और भाई बहनों पर अपना कर घर वालों से फिटे भी होंगे। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि हमारे देश का पहलवान अमेरिका के रेसलिंग रिंग पर राज करेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट खली नाम से मशहूर दिलीप सिंह राणा की। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त अच्छा हो या बुरा, बदलते देर नहीं लगती। सैकड़ों जिलों पर राज करने वाले तो ग्रेट खली की किस्मत तब बदली जब उनके हाथों एक रेसलर की मौत हो गई। लेकिन क्या सच में उनके हाथों किसी रेसलर की मौत हुई थी या उन्हें फंसाया गया था? क्या है सारा सच, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, द ग्रेट खली के साथ हुए इस हादसे के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर कैसे भारत के एक छोटे से गांव में जन्मे इस आदमी का सफर अमेरिका के रेसलिंग रिंग तक पहुंचा। साल था 1972। 7 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में जन्म हुआ एक बच्चे का जिसका नाम दिलीप रखा गया। 7 भाई बहनों का यह परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर था। दिलीप के पिता पैसे से किसान थे, उनके परिवार का गुजारा काफी मुश्किल से हो रहा था। ऐसे में जब एक बार बारिश की वजह से उनकी सारी फसल खराब हो गई तब इनकी आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई। आलम तो यहां तक हो गया था कि अब दिलीप के पिता के पास बच्चों की स्कूल की फीस भरने तक के भी पैसे नहीं बचे थे। जब दिलीप 8 साल के थे तो उनकी स्कूल की फीस 2.5 रुपए थी, लेकिन उनके पिता इसे भरने में भी असक्षम थे। इसी के चलते भरी सभा में स्कूल के प्रिंसिपल ने दिलीप की काफी बेइज्जती की और उसे स्कूल से निकाल दिया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चे इमोशनली काफी सेंसिटिव होते हैं और छोटी छोटी बातें भी उनके मानसिक स्वास्थ्य पर काफी गहरी छाप छोड़ देती हैं। दिलीप के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। इस चीज का सदमा उन्हें जहन में हमेशा के लिए एक बुरी छाप छोड़ गया। उसके बाद उन्होंने स्कूल की तरफ दोबारा मुड़कर कभी नहीं देखा। पैसों की वजह से इस तरह अपमान सहने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अगर जिंदगी में पैसा है तो ही सारी खुशियां, इज्जत और सुख सुविधा है। फिर क्या, उन्होंने अपना सारा ध्यान पैसा कमाने पर लगाया और वो छोटी मोटी नौकरियां करने लगे। इन्हीं सब के बीच उन्हें कहीं से पता चला कि सरकार वृक्षरोपण से संबंधित कुछ मुहिम चला रही है जिसमें इससे जुड़े मजदूरों को हर दिन 5 रुपए दिए जाएंगे। जाहिर सी बात, एक समय में जिस परिवार के लिए 2.5 रुपए कमाना मुश्किल था उसके लिए 5 रुपए का महत्व बहुत ज्यादा हुआ करता था। उनके शरीर की बनावट ने तो दिलीप को सबसे अलग बना ही दिया था, लेकिन उनकी मेहनत की वजह से भी वो मजदूरों के बीच काफी जाने जाते थे। ऐसे ही छोटे मोटे काम करते हुए और कमाते हुए कुछ साल गुजर गए और अब साल 1993 आ चुका था। अब दिलीप दिहाड़ी मजदूर नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर शहर शिमला में एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे थे। एक रात जब दिलीप ड्यूटी पर थे तो पास से गुजर रहे एक पुलिस ऑफिसर की नजर इन पर पड़ी। पुलिस ऑफिसर ने उनके पास जाकर उनसे कहा कि उनका कद और बॉडी शॉडी के हिसाब से तो उन्हें पुलिस में भर्ती होना चाहिए था। यह सुनकर दिलीप काफी हैरान हुए क्योंकि उन्होंने तो स्कूल और पढ़ाई कब के पीछे छोड़ दी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब भगवान की मेहरबानी किसी इंसान पर हो तो रास्ते की हर मुश्किल चुटकियों में दूर हो जाती है। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद वो पुलिस में भर्ती हो गए। पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ने के बाद दिलीप की ना सिर्फ पैसे की तंगी दूर हुई बल्कि समाज में उनकी इज्जत भी बढ़ गई। अब नौकरी के साथ साथ दिलीप ने अपने आप को और फिट बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और धीरे धीरे इनकी बॉडी और शारीरिक बनावट को लेकर आसपास की गलियों में इनके चर्चे होने लगे। जैसे जैसे इनकी रुचि बॉडी बिल्डिंग में बढ़ी वैसे वैसे इन्होंने कई कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और कई टाइटल्स भी अपने नाम किए। अब साल आया 1998 और शुरू हुआ आपका और हमारा सबका पसंदीदा शो WWF, जो बाद में WWE के नाम से जाना जाने लगा। दिलीप को बॉडी बिल्डिंग का नशा तो था ही, इसी के चलते उनकी रुचि WWF में भी बढ़ी। जब पहली बार उन्होंने टीवी पर WWF का मैच देखा तो वो उससे इतने प्रभावित हुए कि वो भी रेसलिंग को और समझने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने इसकी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। जैसे जैसे ट्रेनिंग करके इन्हें रेसलिंग के दाव पेच समझ में आने लगे वैसे वैसे ये लोकल लेवल पर रेसलिंग मैचेस में एनरोल करने लगे। धीरे धीरे इनका नाम और मशहूर हो गया। फिर एक ऐसा दिन आया जो आगे चलकर न सिर्फ दिलीप को द ग्रेट खली में तब्दील करने वाला था बल्कि इनकी जिंदगी भी संवारने वाला था। APW जो कि ऑल प्रो रेसलिंग कमेटी है, उसके जरिए दिलीप को अमेरिका आकर रेसलिंग की ट्रेनिंग लेने का न्योता दिया गया। लेकिन हर एक आम आदमी की तरह दिलीप भी दो राहों पर खड़ा था। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो किस राह को चुने। एक तरफ उनकी सिक्योर गवर्नमेंट जॉब थी और दूसरी तरफ उनका रेसलिंग के प्रति लगाव और रुचि। काफी सोच विचार करने के बाद आखिरकार दिलीप ने अमेरिका का रास्ता ही उनके लिए सही समझा और फिर एक दिन आंखों में रेसलर बनने का सपना लिए वो भारत छोड़कर अमेरिका पहुंच गए। अनजान देश पहुंचकर उन्हें एहसास हुआ कि हकीकत उनके सपनों से कोसों दूर है।
वहां उन्हें एक छोटा सा कमरा रहने के लिए दिया गया जिसमें वो बड़ी मुश्किलों से रहते थे। इतना ही नहीं, क्योंकि वहां बाकी लोगों के साथ बातचीत करने के लिए इंग्लिश आनी जरूरी थी। ऐसे में दिलीप किसी को ठीक तरीके से कुछ भी समझा नहीं पाते थे। लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और अमेरिका क्यों आए थे उस वजह को याद कर कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर दी। अब आता है साल 2000। कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद आखिरकार साल 2000 में वो दिन आ ही गया जब उन्हें पहली बार रेसलिंग मैच में अपना हुनर दिखाने का मौका मिला। इस मैच में उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि उन्हें WCW जो कि रेसलिंग कंपनी है उसमें भी शामिल कर लिया गया और लोग उन्हें द जायंट सिंह नाम से जानने लगे। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि वक्त और हालात कब कैसा मोड़ ले ले इसका अंदाजा किसी को कभी नहीं होता। साल 2001 में जो हादसा हुआ वो खली ने दूर दूर तक नहीं सोचा था। दरअसल खली और ब्रायन ऑंग जब रिंग में ट्रेनिंग कर रहे थे तब उन्होंने ब्रायन को दो बार रिंग में घुमाया और फिर एक ऐसा रेसलिंग मूव किया कि वो गिरकर बेहोश हो गया। उसकी गंभीर हालत देखकर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब हम सब ये तो जानते ही हैं कि रेसलिंग मैचेस में फाइट स्क्रिप्टेड होती है और लाइव गेम के नाम पर होने वाली सभी फाइट्स की प्रैक्टिस पहले ही कर ली जाती है। लेकिन फिर भी ऐसे कई किस्से सामने आते रहते हैं जहां रेसलर्स को चोट लगती है। लेकिन दोस्तों, किसी रेसलर के हाथों दूसरे रेसलर की मौत होना बहुत ज्यादा गंभीर बात थी। हालांकि खली से ही अनजाने में हुआ था, फिर भी रेसलिंग की दुनिया में खली का नाम काफी खराब हुआ और लोग इन पर कातिल होने का इल्जाम लगाने लगे। सारे रेसलर्स में अब खली को लेकर खौफ बैठ गया था और वो इनके साथ रेसलिंग करने से खतराते थे। फिर भी खली ने हार नहीं मानी। वो जापान और मैक्सिको में रेसलिंग मैचेस में हिस्सा लिया करते थे। कुछ समय बाद ये बात सामने आई कि ब्रायन रेसलिंग के लिए फिजिकली फिट था ही नहीं और उसके डॉक्टर्स ने भी उसे रेसलिंग करने से सख्त मना किया था। वो APW था जो ब्रायन पर दबाव बनाकर उसे मैच लड़वाया करता था। ये जानने के बाद लोगों का खली को लेकर नजरिया बदला। वहीं ये बात सामने आने के बाद APW पर ब्रायन ऑंग के परिवार ने केस फाइल किया और APW को इसका भारी जुर्माना भरना पड़ा। इसके बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब खली को WWE में शामिल किया गया और उन्होंने द अंडरटेकर, जॉन सीना जैसे मशहूर रेसलर्स की छुट्टी कर दुनिया भर में अपना नाम और अपने देश भारत का नाम रोशन किया। आज देश हो या विदेश, शायद ही कोई ऐसी गली हो या घर हो जहां लोग द ग्रेट खली को नहीं जानते होंगे। खली आज हमारे देश के नौजवानों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं और साथ ही इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में भी झंडे गाड़ने की कोशिश की है। क्या आपको भी बचपन में रेसलिंग देखना पसंद था? आपका मनपसंद रेसलर कौन था हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आज की हमारे इस वीडियो ने आपको काफी एंटरटेन किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।